स्कूल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स। तो लर्न करने के लिए थोड़ा सा समझ लेना होगा कि रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स कौन से होते हैं। उसकी एग्जांपल शुरू में है, साथ में ये बता देता हूँ कि ये वीडियो इसलिए है कि इसको जल्दी से क्विक कैसे लर्न करना है वो एसोसिएशन बता के बताता हूँ। जनरल रिकॉर्ड्स में आपने विजिटर बुक्स है, सर्विस रजिस्टर है, ऐसी जो एग्जांपल आपको ड्यूटी स्टाफ ड्यूटी रजिस्टर है, टीचर पर्सनल फाइल है, मीमो बुक है ना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड सारे हैं जिसमें फीस की कलेक्शन है, बजट है, ग्रांट्स हैं, एड है, ये थोड़े से याद रखने होंगे। इक्विपमेंट है, जितना फर्नीचर आया है ना, लाइब्रेरी है, स्टेशनरी है, इसकी जो न्यूज़पेपर हैं जो भी आया इसके रिकॉर्ड जो रखते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स हैं, करिकुलम के रिगार्डिंग रिकॉर्ड है, टाइम टेबल के रिगार्डिंग, क्लास टीचर टाइम टेबल, ये सारे एग्जांपल है, इससे पॉइंट बनेंगे। ये सिर्फ याद रखने हैं, अपने हेडिंग देना है, उसके बाद ये लगभग 25 पॉइंट्स हैं, उनको याद कैसे करना है उसके लिए आपने ये वर्ड याद रखना है जब भी आया, इम्पॉर्टेंस नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर। तो आपने रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर पर चप्पल मत फेर, ये जो हिंदी का सेंटेंस है इंग्लिश में लिखा हुआ, इसको याद रखना है। इसके जो आर सर्कल है इसके पॉइंट बनेगा, एस का बनेगा है ना, आर का चलो बन गया, दोबारा भी बन गया है, एस का भी बन गया है, जी का ये पॉइंट बनेगा, पर का कोई पॉइंट नहीं बना रहे, पी का चलो रखना है रख लो आप, फिर सी के पॉइंट है, एच का है, ए के बहुत ज़्यादा पॉइंट है, पी का, पी का, एल का, एल का, ये पॉइंट बनेंगे। तो इसको दूसरी तरह से अब यहाँ पर लिख लेंगे, पहले रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर यहाँ पर मैंने लिख लिया, तो वो फुल जो सेंटेंस था उससे मैंने ये वर्ड बना लिए। पहला मैंने लिखा रिसर्च, रिसर्च में यूज़ है, डाटा है सारा, ये डाटा है, कोई बाहर से या अंदर से आप एक्शन रिसर्च करते हो ये डाटा यूज़ होता है। दूसरा स्पेशल एस से है, स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज, सर्विसेज अगर आपने लर्नर विद स्पेशल नीड आइडेंटिफाई करने हैं तो डाटा काम आएगा। आर से फिर क्या हो गया, दो पॉइंट बने, रिफॉर्म, स्कूल में रिफॉर्म करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, बेटर डिसीजन लेने के लिए, और एक और आर से पॉइंट बना, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यूज़ कर लिया, छोटा बना लिया। कौन से रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स। अगर आपने यहाँ पर ये बनाना है तो आप ये ऐसे करके डायग्राम भी बना सकते हैं, मटेरियल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। जी से गाइडेंस आ गया, जी जू आई गाइडेंस, बच्चों को गाइडेंस देनी है, कैरियर काउंसलिंग करनी है, एजुकेशनल काउंसलिंग करनी है, पर्सनल काउंसलिंग करनी है, तो ये डाटा बच्चे का रिकॉर्ड कार्ड तो यूज़ करेंगे ना। जी से और करना है तो साथ में ग्रांट भी, ग्रांट लेनी है तो डाटा शो करोगे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड शो करोगे तो ग्रांट मिलेगी। पी के बड़े बनते हैं, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बना लेते हैं, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, तो बच्चे का रिकॉर्ड कार्ड प्रोग्रेस है वो पीटीएम पर शेयर करते हैं, पी से ज़्यादा बनते हैं, आगे रखे हैं, यहाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। प्लानिंग के लिए नेचुरली है रिकॉर्ड, हर तरह की प्लानिंग की स्कूल के लिए रिकॉर्ड यूज़ करने हैं। प्रोग्राम इवेल्युएशन, प्रोग्राम इवेल्युएशन, प्रोग्राम इवेल्युएशन है कि स्कूल में कोई प्रोग्राम, इवन स्कूल के एकेडमिक प्रोग्राम, कोकरिकुलर एक्टिविटी से करिकुलम ट्रांजैक्शन का प्रोग्राम कोई भी है उस पर फीडबैक लेनी है, तो वो डाटा ही जो है रिकॉर्ड ही काम आएंगे कि स्टेक होल्डर्स ने क्या उसको कैसे देखा है, कितनी रेटिंग दी है, वो रिकॉर्ड भी आप रखते हो। आगे चलते हैं, ये हो गया, आगे आ गया चप्पल, चप्पल के बहुत ज़्यादा पॉइंट बनते हैं, यहाँ पर रखेंगे कम्युनिटी रिलेशन, रिलेशन में इम्पॉर्टेंस है, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट DEV लिखा है यहाँ सिर्फ को, क्योंकि बच्चे के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं रजिस्टर्ड हैं वो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, एकेडमिक, मैथ, कोकरिकुलर एक्टिविटी, पोर्टफोलियो, वो सब कुछ बताते हैं। कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी
आगे चल के वैसे एक पॉइंट आएगा ही आगे, इसमें मल्टीपल पॉइंट बन जाएंगे, ये पॉइंट भी उसमें कवर हो जाएगा, बेशक आप मत बनाए बताना। एच से हिस्ट्री, स्कूल के रिकॉर्ड हैं तो स्कूल की हिस्ट्री अच्छी दिखाई देगी, स्टडी की जा सकती है। अच्छा, ए से बहुत पॉइंट बनते हैं, ए को मैं आगे लेके जा रहा हूँ ज़्यादा पॉइंट बनाने के लिए। यहाँ ऐसा करते हैं एलुमिनी, है ना, एल्यूमिनी, एल्यूमिनी मीट के लिए रिकॉर्ड सारे चाहिए, एल्यूमिनी यूज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का। एक्रीडेशन, नैक आपने सुना होगा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन। एक्रीडेशन मीन के आप के स्कूल को बाहर वाली एजेंसी इवेलुएट असेस करती है, उसके बाद रैंक बताती, ग्रेड बताती कि आपकी क्वालिटी कितनी अप है डाउन है, तो एक्रीडेशन। ए के बाकी पॉइंट बहुत ज़्यादा इजी जो बनते हैं यहाँ बनाने लगा हूँ, वो है अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी फॉर किसके लिए अकाउंटेबिलिटी, ये है सबसे नीचे याद रखने के लिए, सबसे नीचे क्योंकि हायरार्की में स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसरेबिलिटी कोई आप शब्द यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर आ गए उनके मम्मी पापा, याद रखने का तरीका, उनके पेरेंट्स, उसके ऊपर आ गए यहाँ टीचर लिख लेते हैं ये, उसके बाद आ गए मैनेजमेंट, प्राइवेट स्कूल में मैनेजमेंट के लिए जो है प्रिंसिपल सब रिस्पॉन्सिबल हैं, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बाद सोसाइटी या कम्युनिटी, सोसाइटी के लिए अकाउंटेबिलिटी, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपने डाटा शो करना है, और इसके बाद एक और पॉइंट बोर्ड आ सकता है, BOARD, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। तो ये कितने पॉइंट बन गए हायरार्की में, नीचे से ऊपर याद रखने का तरीका है, अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, फॉर पेरेंट्स, फॉर टीचर्स, फॉर मैनेजमेंट, फॉर सोसाइटी, फॉर गवर्नमेंट, फॉर बोर्ड। तो ये 7-8 पॉइंट आपके इजीली ऐसे ही याद हो गए। ये ए से था, ए को आप शुरू में भी लिख सकते हो अगर आपने प्रॉब्लम लगती है कि मुझे ये याद नहीं होते। अच्छा, नेक्स्ट पी से हमने प्लानिंग भी कर लिया था, प्रोग्राम एवेल्युएशन भी कर लिया था, यहाँ पर साइकोलॉजिकल गाइडेंस भी कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल यूज़ भी कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, वो भी एक तरह का रिकॉर्ड है। एल से बन गया लीगल, लीगल यूज़, है ना, कोई भी किसी तरह का, इवन केस भी कोई चल रहा है लेकिन कानूनी कोई भी इंटरेक्शन स्कूल की किसी से होती है तो ये डाटा वहाँ काम आता है। इकोनॉमिक, ई से दूसरा कलर ले ले ये वाला, इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ओके, एफिशिएंट फंक्शनिंग, एफिशिएंट फंक्शनिंग, और लास्ट में क्या था कि रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर पर चप्पल मत फेर, एफ से आ गया फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर रेफरेंस के लिए सारे रिकॉर्ड चाहिए। हाँ, एफ से फंड भी कर सकते हैं, अगर ग्रांट नहीं याद रहता तो फंड याद रख सकते। तो ये थे पॉइंट, इनकी डिटेल ये है, लीगल यूज़ है, कंप्लायंस यहाँ नहीं यूज़ किया, रेड वाला है, आप में मेरे ख्याल काफ़ी आप इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी है, प्रोग्राम इवेलुएशन है जिसमें वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स, ए एक्सप्लेनेशन के लिए रेड वर्ड बस याद रखें, कम्युनिटी रिलेशन के लिए क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रोग्रेस एंड एक्टिविटीज़ रिपोर्ट करते हैं हम, चाइल्ड डेवलपमेंट ये इजी है, एजुकेशनल रिफॉर्म जो डिसीजन मेकिंग करनी है, पॉलिसी मेक करनी है वो डाटा के बेस पर होगी, जैसे लेटेस्ट ट्रेंड इन स्कूल मैनेजमेंट पे हमने पढ़ा था। एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग है या इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है, जब प्लानिंग है कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च ईजी है, गाइडेंस ईजी है, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट ईजी है, एफिशिएंट फंक्शनिंग है कि हमने इनक्रेज करना है स्टूडेंट्स को, टीचर को, एडमिनिस्ट्रेटर को, तो नेचुरली है कि डाटा बताएगा, डाटे से हम मोटिवेट भी कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी फॉर वो सारे पॉइंट की है, फॉर पेरेंट्स है, फॉर सोसाइटी है, साइकोलॉजिकल गाइडेंस है, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी है, मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी है, स्टूडेंट अकाउंटेबिलिटी है, फिजिकल मेंटल सोशल रिकॉर्ड सारे होते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है,
एक बार यूज़ करना है, स्कूल की हिस्ट्री है, स्कूल प्रोग्रेस है, अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन है ना, मेमोरीज़ हैं, फ्यूचर रेफरेंस है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए ग्रांट एंड फंडिंग है, तो उसमें डेमोग्राफिक जो डाटा है ना, किस एरिया से कितने बच्चे आते थे, मान लीजिए उस उन बच्चों के लिए फंडिंग चाहिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, गिफ्टेड के लिए चाहिए, प्रोग्राम आउटकम है, कोई अच्छा अचीवमेंट है उसके लिए फंडिंग मिल सकती है, जैसे बजट बेस्ड फंडिंग का न्यू ट्रेंड है, एलुमिनी रिलेशन है कि एकेडमिक अचीवमेंट है, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की सक्सेस है वो उसका रिकॉर्ड, स्पेशल एजुकेशनल सर्विस के जो मार्जिनलाइज सेक्शन या नीड बेस्ड जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, लर्नर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, लाइब्रेरी सर्विस है, फैसिलिटीज़ है, इनको सभी को यूज़ करना है, एक्रीडेशन ऑफ सर्विस, ये 25 पॉइंट है, हिंदी में भी ऐसे हैं, ये पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर कानूनी अनुपात है, दूसरा है आर्थिक पारदर्शिता, तीसरा है कार्यक्रम का मूल्यांकन, चौथा है समुदायक संबंध, पांचवा है बाल विकास, छठा है शिक्षक सुधार, अनुसंधान, मार्गदर्शन, दसवां है माता पिता की भागीदारी, ग्यारहवां है कुशल कार्य प्रणाली, बारहवां है माता पिता के प्रति जवाबदेही, तेरहवां है समाज के प्रति जवाबदेही, मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन या मनोवैज्ञानिक यूज़ हो सकता है, सरकारी जवाबदेही है, प्रबंधक जवाबदेही है, छात्र जवाबदेही है, संस्थागत योजना है, स्कूल का इतिहास है, भविष्य के लिए संदर्भित संदर्भ में यूज़ किया जाता है, अनुदान फंडिंग है, ये रहा बाईवां पॉइंट, पूर्व छात्रों के साथ संबंध, विशेष शिक्षा सेवाएं, संसाधन उपयोग, रिसोर्स जो था, मान्यता और प्रमाणक, तो ये ऐसे पॉइंट आप याद कर सकते हैं, और कोई पॉइंट आपको याद नहीं होते, कोई क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होता, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।